बट अगर मेरी एलाइना वालों अगर किसी भी धर्म जात के लोग हर्ट हुए ने तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूं। भारती सिंह मनोरंजन जगत का बड़ा नाम है जो अपने कॉमेडी के लिए जानी जाती है। भारती एक मल्टी टैलेंटेड इंसान है, उनकी स्टैंड अप कॉमेडी सबको पसंद आती है। साथ ही वो कई सारे रियलिटी शो भी होस्ट कर चुकी है, जिस वजह से पॉपुलैरिटी के मामले में कई बॉलीवुड सेलेब्स को टक्कर देते आई है। लेकिन इन दिनों भारती का नाम विवादों में फंसा हुआ है। अपने एक वीडियो में दाढ़ी और मूंछ पर टिप्पणी की थी। हाँ, दाढ़ी मूंछ क्यों नहीं चाहिए? अरे दाढ़ी मूंछ के बड़े फायदे होते हैं, दूध पियो उसे दाढ़ी मुंह में डालो, सिवैयों का टेस्ट आता है। जिसके बाद से भारती सिंह मुश्किलों में आई है। इतना ही नहीं, भारती सिंह के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। इस सब पर भारती ने सामने आकर माफी मांग ली है। जेनुअन गल कर रही थी, कॉमेडी कर रही थी अपनी फ्रेंड के नाल कि दाढ़ी मूछ तो अजकल हर कोई रखता है, बट अगर मेरी एलाइना वालों अगर किसी भी धर्म जात के लोग हर्ट हुए ने तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब भारती सिंह विवादों में आई है। आइए आपको कॉमेडियन के जुड़े विवाद बताते हैं। भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया का नाम जब ड्रग्स केस में आया था तब सब लोग हैरान हो गए थे। साल 2021 में एनसीबी ने कॉमेडियन के घर पर छापे मारे थे। इस दौरान एनसीबी के टीम को भारती के घर से ड्रग्स मिले थे, जिसके बाद दोनों को जुडिशियल कस्टडी में रखा गया था। हालांकि मैजिस्ट्रेट कोर्ट की तरफ से भारती और हर्ष को जमानत मिली थी। साल 2019 में भारती सिंह और रवीना टंडन फराह खान के शो बैक बेंचर में शामिल हुए थे। इस दौरान दोनों ने बाइबल के शब्द का मजाक उड़ाया था, जिस वजह से तीनों ही विवादों में आई थी। अगर तू मुझे इसका मतलब, इसका मतलब क्या है? ये कोई गंदी गाली है जो ऐसे ले नहीं सकते। स्पेलिंग कंपटीशन के दौरान भारती ने शब्द का स्पेलिंग गलत लिखा था और रवीना ने स्पेलिंग एकदम सही तरीके से लिखा था। एपिसोड के सामने आने के बाद भारती, रवीना और फराह पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। तीनों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया था। इसीलिए फेमस होना भी जिम्मेदारी का काम है। बॉलीवुड की ताज़ा गॉसिप और एक्टर एक्ट्रेस के लेटेस्ट अपडेट के लिए देखिए बॉलीवुड वायरल स्टार्स। बॉलीवुड वायरल स्टार्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए।